हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं छोले, जिसके लिए हमने करीब 1 किलो छोले लिए हैं, जिन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखा था। अब हमें इन्हें उबालना है। उबालते समय हम इनमें 2 बड़ी काली इलायचियाँ डालेंगे और साथ ही नमक स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। अब हमें अपने छोलों को उबालना है, इसके लिए हम इन्हें कुकर में डालेंगे और छोलों से करीब 2 इंच ऊपर तक ही पानी डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, नहीं तो फिर उबलने में ये टाइम लगाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें जो सूखे मसाले चाहिए वो हैं लाल मिर्च पाउडर, अनारदाना या अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और गरम मसाला या कोई चना मसाला रेडीमेड आप ले सकते हैं। इनके साथ ही हमें कुछ खड़े गरम मसाले चाहिए, जो हैं तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, काली मिर्चें और बड़ी इलायचियाँ। आप छोटी इलायची और लौंग भी डाल सकते हैं इनमें। इनके साथ ही मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर 3 बड़े, लहसुन की कलियाँ चाहिए 7 से 8, अदरक चाहिए करीब 2 इंच, प्याज मीडियम साइज़ के हमने 4 लिए हैं और साथ में हरी मिर्चें 3। इनके साथ ही हमें मसाला भुनने के लिए तेल या घी चाहिए पड़ेगा। सबसे पहले हम अपना मसाला पीस लेंगे, जिसमें हम प्याज, अदरक और लहसुन डालेंगे। हमने अपने पैन में तेल डाला गरम करने के लिए। इसके थोड़ा गरम हो जाने के बाद हम इसमें अपने खड़े गरम मसाले डाल देंगे। जब ये मसाले थोड़े से भुन जाएं, उसके बाद हमें इसमें अपना पिसा हुआ मसाला डालना है। हमें इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक कि ये अपना पूरा तेल न छोड़ दे और इसका कलर भून के ब्राउन सा हो जाएगा। मसाला भूनते तक टमाटरों का पेस्ट बना लीजिए। हमारे चने उबल गए हैं, इनके दाने दबा कर देख लीजिए ये अच्छी तरह गल गए हैं या नहीं। ये देखिए, हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। इसका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए और तेल भी अच्छे से छूटा हुआ दिख रहा है साइड्स में। अब हम इसमें अपना टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटरों के अच्छी तरह भुन जाने के बाद हम इसमें अपने सारे सूखे मसाले डाल देंगे। यहाँ हमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक हम छोलों में उबलते समय पहले ही डाल चुके थे। वो हम बाद में टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। 7-8 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें अपनी हरी मिर्चें जो थी वो बीच से चीरा लगा के डाल देंगे। ये देखिए, अब हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपने उबले हुए छोले डाल देंगे। छोलों का जो पानी है वो भी हमें साथ में ही डालना है। अगर आपका मसाला ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा और पानी डाल दीजिए।
और अगर बाई चांस आपका मसाला कम पड़ गया है, आपको तरी पतली लग रही है, तो फिर आप इनमें से थोड़े से उबले चने निकाल कर उन्हें मिक्सर में डालकर पीस लीजिए और वो पेस्ट इसमें डाल के मिला लीजिए। आपकी तरी फिर से गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए आपके छोले बनकर तैयार हैं। अब आप इनमें ऊपर से हरा धनिया, कटा प्याज और नींबू डाल के गरम गरम सर्व कर सकते हैं।